तो माइनक्राफ्ट वाले हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स अपडेट लॉन्च करते हैं, एंड इन अपडेट्स में भाई बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारी स्केरी मिस्ट्रीज भी छुपी हुई होती है। जैसे कि क्या तुमको पता था कि माइनक्राफ्ट में स्माइलिंग क्रीपर्स भी होते हैं, और उसके अलावा पिंक वेदर और क्रीपर की एक पूरी की पूरी डायमेंशन के साथ साथ माइनक्राफ्ट वालों ने इस साल मून की डायमेंशन भी ऐड करी है। और अभी तक भी अगर तुम लोग शॉक नहीं हुए तो भाई माइनक्राफ्ट वालों ने सीक्रेटली बोलने वाले विलेजर्स भी ऐड करे हुए हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2013 के अप्रैल फुल्स अपडेट के साथ, जिसमें अगर अपन नॉर्मल माइनक्राफ्ट की बात करें तो भाई वेदर का नाम सुनते ही ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर डरने लग जाता है। और डरे भी क्यों ना भाई, वेदर माइनक्राफ्ट का इतना खतरनाक मोब जो है। बट आजकल भाई वेदर का खौफ काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट में सारा का सारा खौफ तो अभी वार्डन ने फैला रखा है। बट भाई 2013 के अप्रैल फुल्स अपडेट के अंदर एक ऐसी वेदर डाली थी माइनक्राफ्ट वालों ने जो कि भाई पिंक कलर की थी, और उसको बनाने की रेसिपी भी काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि उसको बनाने के लिए तुमको भाई एक पिंक वूल और उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट और फिर एक रोज चाहिए था, एंड उससे फिर जो विदर स्पॉन होगी वो भाई ज्यादा ही क्यूट तो नहीं थी, बट हाँ वो तुमको डैमेज नहीं देती थी। एंड पिंक विदर के अलावा माइनक्राफ्ट वालों ने माइनक्राफ्ट में भाई डायमंड के चिकन्स भी डाले थे, जो कि नॉर्मल अंडे देने की जगह भाई डायमंड्स दिया करती थी, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन है, क्योंकि भाई उस टाइम के काफी सारे प्लेयर्स तो भाई इन चिकन से ही डायमंड ले लेके अमीर बन गए थे। आई होप मैं भी उस टाइम पे माइनक्राफ्ट खेल रहा होता। तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में अपन भाई फूड को कुक करने के लिए और ओट्स को स्मेल करने के लिए फर्नेस का यूज लेते हैं, जो कि भाई बिल्कुल नॉर्मल बात है। बट भाई इन अप्रैल फूल्स के अंदर अगर तुम किसी फर्नेस को ज्यादा देर तक चला के रखते हो तो भाई वो ओवरहीट होके ब्लास्ट भी हो सकती है। और ये ब्लास्ट वाला सीन भाई सिर्फ फर्नेस तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी भी मोब को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो तो भाई वो मोब भी ब्लास्ट हो जाएगा। एंड ये मोब ब्लास्ट भाई मैंने तो माइनक्राफ्ट में पहली बार देखा था। और इस वाले अपडेट में सबको इतना हंसाने के बाद अगले वाले अपडेट के लिए माइनक्राफ्ट का प्लान था कि सबको रुलाना है। और फिर लॉन्च होता है 2014 का अप्रैल फुल्स अपडेट, जिस अपडेट ने माइनक्राफ्ट के ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर्स को डरा के रख दिया। तो ये बात है 2014 फर्स्ट अप्रैल की, जिस दिन सारे के सारे माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स बिल्कुल नॉर्मल होके उठते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि भाई आज उनके साथ क्या खतरनाक सीन होने वाला है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल डे जैसे खुद के माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, एंड थोड़ी देर माइनक्राफ्ट खेलने के बाद उनको फील होता कि भाई आज तो माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ अलग है, बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि भाई क्या अलग है। और धीरे धीरे उनका ये शक काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई आज माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग है। एंड काफी टाइम बाद उन सब प्लेयर्स को एकदम से रियलाइज होता है कि भाई उन सब की स्किन चेंज होकर एक विलेजर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और सिर्फ उनकी स्किन ही चेंज नहीं हुई, वो अगर डैमेज लेंगे या फिर किसी भी तरीके की साउंड निकालेंगे तो भाई वो साउंड भी विलेजर से रिप्लेस हो चुकी है अभी। तो इस बार सिर्फ IPL देखना ही नहीं है, बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइजेस भी जीतने हैं, वो भी सिर्फ lotus365.in पे। यहाँ तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि मैच कौन जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और ऐसे 50+ क्वेश्चंस जिनमें तुम लोग अपना ओपिनियन देके काफी तगड़े तगड़े प्राइजेस जीत सकते हो। तो अभी जाके lotus365 पे रजिस्टर करो और पाओ 365 रुपीज का बोनस। और तो और यहाँ तुम लोगों को मिलेगा 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस है जहाँ तुम लोग अपना ओपिनियन देके भाई खतरनाक खतरनाक प्राइजेस जीत सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो बिल्कुल भी देरी मत करो और डायरेक्ट रजिस्टर करो lotus365.in पे। ओके, तो फिर 2015 में लॉन्च होता है माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा खतरनाक और ट्रोलिंग अपडेट, जिसका नाम है हार्ट अपडेट। एंड इस अपडेट का नाम हार्ट अपडेट क्यों है ये तुम लोगों को अब पता लगने वाला है। तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में तुम लोगों ने बादल तो देखे होंगे जो कि बिल्कुल रियल लाइफ जैसे बादल ही लगते हैं, बट इस वाले अपडेट के अंदर वो बादल भाई चेंज होके कुछ ऐसे हो गए जिन्होंने बिल्कुल एक हार्ट की शेप ले रखी है। बट ये तो भाई सेकंड चीज होगी जो तुम नोटिस करोगे। फर्स्ट चीज तुम लोग ये नोटिस करोगे कि भाई इस अपडेट का नाम हार्ट अपडेट है, लेकिन फिर भी भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हार्ट है। अबे भाई कितने हरामी है ये माइनक्राफ्ट वाले। और नॉर्मल माइनक्राफ्ट में तुम लोग भाई वुड कलेक्ट करके नॉर्मल मॉब्स को मार के खाना कलेक्ट करते हो ताकि भाई तुम तुम्हारी हंगर बार को फिल कर सको, बट इस वाले अपडेट के अंदर भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम वुड कलेक्ट करके टूल्स तो बना लोगे बट भाई तुम किसी भी मॉब के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे तुम अटैक करने की कोशिश करोगे उन मॉब्स के अंदर से भाई हार्ट निकलने लग जाएंगे। और मॉब्स पे अटैक करना तो भाई दूर की बात है, तुम इस वाले अपडेट में अगर स्वॉर्ड बनाने की ट्राई करोगे तो भाई तुम स्वॉर्ड ही नहीं बना सकते, क्योंकि तुम जैसे स्वॉर्ड बनाने की ट्राई करोगे तो भाई क्राफ्टिंग रेसिपी में स्वॉर्ड की जगह हार्ट लिखा हुआ आएगा, जैसे कि वुडन हार्ट, आयरन हार्ट, डायमंड हार्ट।
और ये विलेजर्स क्या कर रहे हैं। और वैसे तो माइनक्राफ्ट में कभी फिजिक्स काम करती नहीं है, जैसे कि अगर तुम किसी पेड़ को तोड़ोगे तो भाई वो हवा में ही झूम रहा होगा। भाई ये क्या बात हुई। लेकिन भाई इस वाले अपडेट के अंदर माइनक्राफ्ट वालों ने फिजिक्स भी डाल दी माइनक्राफ्ट में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने जो बोट देखी थी जिसके अंदर हार्ट शेप का एक छेद बना हुआ था, तो भाई वो छेद सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर उस बोट में तुम लोग बैठने का ट्राई करोगे तो भाई वो बोट उसी टाइम पानी में डूब जाएगी। और इतने सारे खतरनाक सीन देखने के बाद तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब तो हो गया बस। लेकिन भाई इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस वाले अपडेट में किसी हॉर्स के ऊपर बैठने का ट्राई करोगे तो भाई तुम उस हॉर्स के ऊपर नहीं बैठोगे, वो हॉर्स तुम्हारे ऊपर बैठेगा। और वैसे ही अगर तुम नॉर्मल माइनक्राफ्ट में किसी डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाते हो तो भाई वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बट सोचो इस वाले अपडेट के अंदर क्या होता होगा। तो इस वाले अपडेट में जैसे तुम डेजर्ट टेम्पल में जाओगे तब तुम लोगों को पता लगेगा कि भाई तुम लोगों के लिए नीचे जाने के लिए भाई उन्होंने स्टेयर्स लगा रखी है, मतलब कि भाई डैमेज मिलने का तो कोई सीन ही नहीं है। चलो ठीक है कोई नहीं, हार्ट अपडेट होने के बाद भी मेरे को सिर्फ एक हार्ट मिला है और यहाँ के बादल भी हार्ट शेप में है, मैं किसी मॉब को मार नहीं सकता। और डेजर्ट टेम्पल में मेरे लिए उन्होंने बढ़िया से स्टेयर्स या फिर पानी लगा रखा है जिससे कि मेरे को डैमेज ना मिले। बट भाई मोब्स जैसे कि क्रीपर या फिर स्केलेटन तो अटैक करेंगे ना, तो भाई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस वाले अपडेट के अंदर किसी क्रीपर को जाके देखोगे तब तुम लोगों को पता लगेगा कि भाई इस वाले अपडेट के अंदर क्रीपर का फेस भाई स्माइली फेस के अंदर कन्वर्ट हो रखा है। और हाँ, ये मैं सोच रहा कि ये वाला क्रीपर फटेगा नहीं, क्योंकि ये क्रीपर फटता तो है बट इससे तुमको डैमेज नहीं मिलेगा, ये तुमको फ्लावर देगा। और फिर लॉन्च होता है माइनक्राफ्ट का सेकंड सबसे खतरनाक अपडेट, जो कि है 20W14 इनफाइनाइट, जिसके अंदर भाई माइनक्राफ्ट वालों ने इनफाइनाइट डायमेंशंस ऐड कर दी। बट डायमेंशन से भी खतरनाक उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक चीजें ऐड करी थी, जिनमें से फर्स्ट है ये होम स्वीट होम का लोगो, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही सुंदर है। एंड इस होम स्वीट होम के अलावा तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट में नॉर्मल स्टेयर्स तो देखी होगी, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही कॉमन होती है, बट इस वाले अपडेट के अंदर माइनक्राफ्ट वालों ने ऐड कर दी सबसे ज्यादा स्वेगेस्ट स्टेयर्स, जो कि है नेदरराइट की स्टेयर्स। एंड उसके अलावा ये वाला मिस्टीरियस ब्लॉक जिसका नाम है एंट ब्लॉक, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट उससे पहले अपन चल लेते हैं डायमेंशंस के अंदर, जिनके अंदर जाने के लिए सबसे पहले तो तुम लोगों को बनाना होगा एक नॉर्मल नेदर पोर्टल। एंड एक नेदर पोर्टल बनाने के बाद तुम लोगों को एक लेनी है बुक एंड क्विल, एंड उसके अंदर भाई जो कुछ भी तुम लोग लिखोगे उस बेस पे एक नई डायमेंशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ सब्सक्राइब टू प्लेइंग बीस्ट, और अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, वैसे तुम लोगों ने कर दिया होगा अभी तक, सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गो। ओ भाई, ब्लू कलर की डायमेंशन ओपन हुई है अभी, एंड चल के देखते हैं ये क्या डायमेंशन होने वाली है। ऑलराइट, हियर आई गो। ओ भाई साहब, ओ हेलो, ये किस जगह पे आ गया मैं? ओ हो, क्रीपर की दुनिया है क्या भाई ये? अबे इतने सारे क्रीपर फेस, क्रीपर 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 क्रीपर। भाई अभी अभी मैं एक हंसता हुआ क्रीपर देख के आया हूँ जिसने मेरे को फ्लावर दिया था फूट के। और ये क्रीपर की दुनिया में स्लाइम क्या कर रही है? आगे यहाँ से भाग, प्लेइंग बीस्ट की दुनिया हो गई है अभी, तुम लोग सब्सक्राइब करो जल्दी से। अबे कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ये। यप, हियर वी गो, सब्सक्राइब नाउ, लेट्स गो। एंड अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले डायमेंशन में। ऑलराइट, हियर वी गो इन नेक्स्ट डायमेंशन। अबे ये तो नॉर्मल, ओहो नॉर्मल तो नहीं है भाई वर्ल्ड। ओ भाई, एंड और नॉर्मल वर्ल्ड को मिक्स कर रखा है इन्होंने। ओ भाई साहब, कितने ऊंचे पिलर्स है ये। ओ हो भाई, अच्छा नीचे से आए जा रहे हैं ये। नहीं, नीचे नहीं जाना। ओके, तो इस वाले डायमेंशन के अंदर हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बहुत सारे पिलर्स मिलेंगे तुम लोगों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल सर्किल में है जैसे कि एंड डायमेंशन में होता है। बट मेरे को यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रही है। हियर यू गो एंडर ड्रैगन, तेरी नई डायमेंशन जो कि मैंने तेरे को दी है। और ये आते था भाई मचाने लग गया भाई एंडर ड्रैगन। हेलो, सारे मोब्स भगने लग गए इससे। ओ भाई, ये कितना ज़्यादा रेयर होता है, ये चिकन और जोम्बी का बच्चा। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी इधर, एंडर ड्रैगन ही एंडर ड्रैगन कर दिए। बट अभी बढ़ते हैं अपन इस साल के अप्रैल फूल्स की तरफ, जिसके अंदर अपन जाने वाले हैं भाई मून पे, क्योंकि इस साल का अप्रैल फूल्स का अपडेट भाई एपिक लॉन्च करा है माइनक्राफ्ट वालों ने। और इस वाले अपडेट का नाम तो वोट अपडेट है, बट भाई इस वाले अपडेट के अंदर अपन मून पे भी जा सकते हैं, काफी खतरनाक सीन होता है भाई वहाँ पे। ऑलराइट, हियर वी गो। ओके, ओ हेलो भाई, स्पोन होती क्या था भाई, मचाई थी, कहाँ स्पोन किया था इन्होंने मेरे को? लिटरल भाई यहाँ स्पोन किया था, मैं ऐसे गया और सीधे नीचे जाने लग गया मैं। ऑलराइट, तो अभी इस अपडेट की मैं तुम लोगों को कुछ खतरनाक बातें बता देता हूँ।
जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई ये वाले पोशंस, जिनमें है ये पोशन ऑफ बिग, जिसको अगर मैं खुद के ऊपर फेंकूंगा तो भाई मैं बड़ा हो जाऊंगा और ये हो गया मैं बड़ा, यस। एंड इन पोशंस की हेल्प से ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ बड़ा ही हो सकता हूँ भाई, अगर मैं चाहूँ तो छोटा भी हो सकता हूँ, जो कि मैं तुम लोगों को होके दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं मिल्क पी के सारे ये इफेक्ट हटा देता हूँ एंड मैं वापस से नॉर्मल हो गया। अबे यार छोटा हो गया था, मज़ा नहीं आ रहा। खैर अभी मैं और भी ज़्यादा छोटा होने वाला हूँ। बूम भाई, इतना छोटा, और भी छोटा हो सकता हूँ मैं। ओ ओ, इससे भी छोटा हो सकता हूँ भाई, ये छोटा नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। हेलो भाई, लिटरल कितना छोटा हूँ मैं। एक सेकेंड, अभी तो बड़ा हो गया वापस से। अबे मैंने मेरे साथ साथ इस काओ को भी छोटा कर दिया। कहाँ गई वो काओ? ये रही। ओ भाई कितनी सही लग रही है ये काओ। मैं छोटा, मेरे साथ एक काओ भी छोटी। ऑलराइट, इन पोर्शंस के अलावा इसके अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक सीन है, और वो है जैसे कि अभी काओ मेरी फ्रेंड थी, लेकिन अभी मैं खुद कन्वर्ट होने वाला हूँ एक काओ के अंदर। लेट्स गो। तो ये वाला पोर्शन है स्प्लैश पोर्शन ऑफ काओ, जिसको अगर मैं खुद के ऊपर फेंकूँगा तो भाई मैं एक काओ के अंदर कन्वर्ट हो जाऊंगा। हियर वी गो, बूम बूम, लेट्स गो। एक सेकंड, मैं भाई वार्डन में सबसे पहले कन्वर्ट होना चाहता हूँ। लेट्स गो। ओ हेलो, ओ ओ भाई भाई, ये तो अभी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अभी मैं जाने वाला हूँ मून पे, बट उससे पहले मैं वार्डन को बड़ा करके देखना चाहता हूँ। ओ ओ, ओ ओ ओ भाई, वार्डन को बड़ा नहीं करना चाहिए था। अब ये काओ वगैरह शीप वगैरह एक ही हिट में मर जाएगी मेरे से। अबे ऑलराइट, तो अब मैं जाने वाला हूँ भाई माइनक्राफ्ट में पहली बार मून के ऊपर, जो कि मेरा बचपन से सपना था भाई मून के ऊपर जाना, और अभी जाके वो सच होने वाला है। सो लेट्स गो। तो मून पे जाने के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को रात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मून रात को ही तो दिखता है ना। एंड हियर वी गो। ओ भाई, मून जस्ट ऊपर आया है, वो भी फुल मून है। लेट्स गो लेट्स गो। तो मून पे जाने के लिए अपन को जाना होता है 700 ब्लॉक्स ऊपर, और अभी मैं हूँ 100 ब्लॉक्स ऊपर। ऑलराइट, मैं अभी पहुँचने वाला हूँ ऑलमोस्ट 700 ब्लॉक्स ऊपर, एंड 700 ब्लॉक्स पे पहुँचते अपन पहुँच जाएंगे भाई मून पे। देखते हैं कैसा कैसी होने वाला है। एंड ओ ओ ओ, वो अर्थ है अपनी, हाँ अर्थ है वो अपनी। एक सेकंड, नीचे क्या है? यस, अपन मून पे जा रहे हैं। हाँ, अपन नीचे की तरफ गिरते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ भाई, खतरनाक सीन है मून का तो। लेट्स गो। मैं एक सेकंड चल रहा हूँ क्या मैं हवा में? यस हवा में चल पा रहा हूँ मैं। ओके ओ हेलो, काओ भी है इधर। काओ तू क्या कर रही है इधर? अबे इतनी ऊँची जम मार रही है यहाँ पे काओ। अबे काओ उल्टी भग रही है, काओ मून वॉक कर रही है इधर। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।